जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे लगातार कि सर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट आया था उसमें जो 625 विदाउट कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में कोई अपडेट लेकर आइए। और दोस्तों, आपका टेंशन लेना लाजमी भी है, क्योंकि जब कोई प्रोसेस 1.5 साल से चल रहा हो और फाइनली जब उसका रिज़ल्ट आए और रिज़ल्ट के अंदर भी आपका नाम विदाउट में आ जाए तो इससे बड़ी टेंशन हो नहीं सकती। बट जिन जिनका भी फेयर एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, जिनका अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये रिज़ल्ट आ ही जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि अभी बैक एंड पे स्क्रूटनी चल ही रही है, चेकिंग चल रही है कि भाई किसी के डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हुए हैं, किसी का साइन मिसमैच हुए हैं और किसी की मतलब धांधलेबाजी चल रही है, तो उस चीज़ की भी चेकिंग हो रही है। क्योंकि सरकार भी यही चाहती है जो बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट है ना, बिल्कुल जेन्युइन है, वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो। तो दोस्तों, अभी इस रिज़ल्ट के लिए आपको थोड़ा वेट और करना पड़ सकता है। वो क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है दिल्ली के अंदर कोरोना केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिस वजह से क्या है, जो भी सरकारी ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, उनके अंदर खाली 50% स्टाफ को ही अलाउ किया जा रहा है। मान लो जो चेकिंग स्क्रूटनी वगैरह जो चल रही है, जो भी बैक एंड पे प्रोसेस चल रहा है, उसमें अगर आपको 6 लोग लगे हुए थे, अब 6 की जगह 3 लोग लग रहे हैं, तो आपका जो काम है वो 3 लोगों में बट गया है 6 की बजाय, तो इसलिए थोड़ा डिले होगा अब ये। बाकी हमने हर जगह ट्राई कर लिया है, दिल्ली पुलिस के अंदर भी ट्राई कर लिया है पूछने का रिज़ल्ट कब आएगा, SSC के अंदर भी काफ़ी ट्राई कर लिया है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो कहीं से भी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। तो जिनका भी लिस्ट के अंदर नाम है, मैं उन साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अपना एक तो टाइम वेस्ट ना करें, अभी 4-5 महीने बाद हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWO की भर्ती आ रही है, उसके लिए अपनी तैयारी करते रहें। साथ में और भी CGL के भी फॉर्म भरे होंगे आपने, उसके लिए भी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि टेंशन ना लें, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर आपका मेडिकल भी होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। तो जिन्होंने भी फेयर एग्ज़ाम दिया है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी अपने तैयारी करते रहें। और ये वीडियो भी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि काफ़ी दोस्तों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर इनके बारे में कोई अपडेट दीजिए। दोस्तों, मैं क्या अभी फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी कोई अपडेट आ ही नहीं रही है, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।